स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हल्का हलचल, और इस प्रोग्राम में हम आपको आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं क्या कुछ खास होने वाला है आज आपके हलके में। चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पलवल, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद आपको लिए चले कालावली, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, क्या कुछ आज हलचल होने वाली है पलवल में? सबसे पहले बता देते हैं कि लगातार साइबर क्राइम को बढ़ते देखकर पुलिस प्रशासन जिले का पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। पुलिस प्रशासन ने अपील भी करी है, लोगों से सीधा संवाद भी किया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से लोगों से सीधी बातचीत की जा रही है कि लगातार जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसके कारण लोगों को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रोजाना नए से नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन तो परेशान है, साथ में आम जनता भी बहुत परेशान है। सबसे बड़ी बात यह कि लोग गलती से जब भी कोई मैसेज आता है उसमें लिख दिया जाता है कि आपको 5 लाख का लोन पास हो गया, आप क्लिक कर दीजिए। लोग लालच वश में आकर उसको क्लिक कर देते हैं या बातों बातों में ओटीपी नंबर दे देते हैं या जो भी गोपनीय जानकारी आधार नंबर सबको देने के बावजूद वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में फंसते चले जा रहे हैं। रोजाना एक नए से नए मामले सामने आ रहे हैं, किसी को 5 लाख का नुकसान हो गया, किसी 10 लाख का नुकसान हो गया। तो इस स्थिति को देखते हुए बड़ी दयनीय स्थिति बन गई है। तो जिला पुलिस इस समय अलर्ट मोड पर आ गया और बार बार तमाम नागरिकों से अपील भी कर रही है कि साइबर क्राइम जो लगातार फ्रॉड हो रहा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी ज्यादा मोबाइल में अपने व्यस्त ना रहे और भी काम करें, क्योंकि इसके ज्यादा वजह से ज्यादातर लोग इसमें जब मोबाइल में बिजी रहते हैं तो उस कारण ध्यान कहीं और चला जाता है, तो उस कारण क्राइम बढ़ रहा है। तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने लोगों को एडवाइजरी भी जारी करी है कि लोग इस चीज से थोड़ा सा परहेज करें और इस तरह की जो भी चीजें आती है उनसे दूर रहे। दूसरी बात कर लेते हैं कि आज भगवान महावीर जी का 2550वां निर्वाण महोत्सव है, जिसको लेकर पूरे जिले में आज पूरे जिले में कई जगह जो है भगवान महावीर जी के नाम के लेकर महोत्सव मनाया जाएगा। तो तमाम जो है तैयारियां पिछले कई दिन से चल रही थी, क्योंकि एक विशेष दिन है, इसको लेकर आज भगवान महावीर जी के नाम का जगह जगह कई जगह जो है पूजा अर्चना भी की जाएगी। तमाम जगह जो इसके आज पलवल जिले में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं जो है मंडियों की बात कर लेते हैं, मंडी में इस समय जो उठान जो होना चाहिए गेहूं का वो इस समय नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर आड़ती तो परेशान है, साथ के साथ किसान भी परेशान है। जो लगातार जो मंडी में गेहूं फैला हुआ है उसके कारण अन्य जो किसान है जो ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य साधनों से गेहूं को लेकर पहुंच रहे हैं, उन्हें अंदर पहुंचने की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर किसान तो चिंता में है, क्योंकि उधर से मौसम विभाग भी बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में कभी भी बरसात हो सकती है, तो वह चिंता आड़तियों को लिए सता रही है और किसानों को सता रही है। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत बनी है। तो इसको यह है कि सरकार से किसानों ने मांग करी है कि जल्द से जल्द जो सरकारी एजेंसी है वो इसे खरीद करके उसको उत्थान करे, ताकि जो अन्य किसान जिनका नंबर लग रहा है गेहूं देने वो भी मंडियों में पहुंच सके। जी अनाया, ठीक है, हम आपके पास आते हैं। जगदीश, क्या कुछ आज हलचल होने वाली है कालाकालवी में? किसानों की जो फसल दिख चुकी थी, कहीं ना कहीं किसानों की जो मजबूती है बढ़ती जा रही है। भाई अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से हालांकि सभी प्रबंध है जो मंडियों में कर दिए गए हैं, लेकिन मंडियों में देखने को मिला कि किसी प्रकार के कोई प्रबंध नहीं है। वही अगर सरसों की खरीद की बात करें तो कालाबाली में इन दिनों राजस्थान व पंजाब से जो हल्की यूं कहें कि निम्न स्तर की जो सरसों में व्यापारी लोग लाकर सरकार को बेचने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 4,000 वाली जो सरसों की फसल है वह 5,650 रुपए बेची जा रही है। कहीं किसानों का जो मेरी फसल मेरा पोर्टल ब्यौरा है 300 से 400 रुपए जो पोर्टल पे जो पंजीकरण है वह बिकता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मूक बने हुए हैं, कहीं ना कहीं पे है कि मिली भगत व्यापारियों के साथ मिली भगत करके सरकार को चूना लगाने का काम है जो अभी कालावाली में किया जा रहा है। भैया अगर बात करें गेहूं की फसल की खरीद की, तो खरीद तो ठीक ठाक हो रही है, लेकिन गेहूं की फसल का उठान जो है नहीं हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान जो है किसानों में जरूर कहीं ना कहीं रोष पनपता नजर आ रहा है। 22 तारीख को अगर बात की जाए किसानों की ओर से जो ऐलान किया गया है उसको लेकर नरेंद्र सिंह ओलख है जो किसान नेता है, आज कालावाली गांव के कालावाली हल्का के कई गांव में जाएंगे और लोगों किसानों को प्रेरित करेंगे और किसानों को जो 22 तारीख को जीन जाने की कल जीन जाने के लिए न्योता देते नजर आएंगे। भाई अगर बात की जाए बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, तो हालांकि कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया है, भाजपा की ओर से डॉक्टर अशोक तंवर व जेजेपी की ओर से रमेश खटका है उनको मैदान में उतारा गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बस जोर शोर से प्रचार करते नजर आ रहे हैं। अशोक तंवर डबवाली कालावाली के कई लोगों को मुलाकात करेंगे और कई परिवारों को जो ज्वाइन करवाने का काम उनकी ओर से आज किया जाएगा। भाई देखने को मिला कि जेजेपी के प्रचार प्रसार भी जो है जोरों पर चलता नजर आ रहा है। भाई अगर
की जाए, आज जो कुमारी सैलजा ने सिरसा में आना था लेकिन उनका जो कार्यक्रम है वह कैंसिल हो गया। कहीं ना कहीं टिकट आवंटन को लेकर जो देरी हो रही है उसको लेकर जो कुमारी सैलजा का जो दौरा था वह कैंसिल हो गया है। भाई अगर बात करें क्राइम की तो क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले दिनों देखने को मिला था कि कालावाली के तारुआना की एक महिला के घर जो है पुलिस कर्मचारी जो रमेश कुमार का ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो काफी लंबे समय से वायरल चलता नजर आ रहा है, उसको लेकर जो है पुलिस कर्मचारी की ओर से महिला को कहा जा रहा है कि उनके घर में जो नशा रखवाया गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं पर्चा दर्ज कर दिया गया था, उसको लेकर जब ऑडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर आया तो डीएसपी कालावाली ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जिस महिला ने एक महिला के घर में गोलियां रखवाकर उसके जो सीरी है उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। हालांकि जो पुलिस कर्मचारी सम्मिलित थे उसकी कहीं ना कहीं विभागीय जांच है जो खोल दी गई है। अब देखना होगा कि इस तरह से पुलिस कर्मचारी जो नशा रखवाकर जो पर्चा करने का काम कर रहे थे उन पर अब सरकार में प्रशासन के अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, ये कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा किसी व्यक्ति के घर में नशा रखवाकर उन पर मामला दर्ज किया जाता है, कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे इस तरह के दर्ज होते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो साख है गिरती नजर आती है। इसको लेकर जरूर चर्चाएं कालावाली शहर में चलती नजर आ रही है। भाई अगर बात कर ले हम सब्जियों की तो इन दिनों सब्जियां जो है बाजारों में कम आ रही है। पिछले देखने को मिल रहा था कि हासी और पंजाब से जो सब्जियां आ रही थी लेकिन इन दिनों बाजार में सब्जियां कम आ रही है, तो कहीं ना कहीं सारी सब्जियों के दाम है आसमान छूते नजर आ रहे हैं। जी अलाया ठीक है जगदीश, बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। प्रवीण बहुत धन्यवाद परवल से सारी हलचल हमें बताने के लिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे समय की पाबंदी की वजह से, तो आज के लिए आपसे लेंगे विदा, फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। नमस्कार।